जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपना करंट जीके क्लास लेकर के एज ऑन 2 अक्टूबर 2023। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले क्लास शुरू करें, गणेश भगवान आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब गणेश भगवान की कृपा होगी तो माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी जी आप पर अपना प्यार बरसाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लास, आज की क्लास। और आज की क्लास की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मुझे आप लोगों के बीच में कितने दिन हो चुके हैं क्लास की अगर बात करेंगे मित्रों, तो यहाँ मैं आपसे बात करूं 561वीं क्लास है आपके दोस्तों। आज सेम आज की क्लास का जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 300 प्लस रहने वाले हैं दोस्तों। सेम यहाँ पर अगर हम बात करें तो टारगेट रहेगा मिनिमम आपका 1000 स्टूडेंट का टारगेट रहेगा इस क्लास का। आज के बाद हम इतना टारगेट लेके चलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है जो पहली बार देख रहे हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार पर आए हैं जो पहली बार, तो उन लोगों से मेरी विनती है कि वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम हर दिन आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर रहते हैं। ये क्लास एक्चुअली 8:30 बजे आपको हर दिन मिलती है। चलिए दोस्तों, तो 561 क्लास है आपके बीच में, जहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने के आसार रहेंगे। आप देख सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। तो गणेश भगवान आप पर फिर दोबारा से मेरी तरफ से आशीर्वाद बनाए और माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी आप पर अपना प्रेम दिखाए। तो चलिए बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे पीएम मोदी किस राज्य में 800। यहां पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहेंगे आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। हाल ही में चर्चा में रहे पीएम मोदी किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। कब हो रहा आपका? कल हो रहा, 3 तारीख को। आज 2 अक्टूबर है दोस्तों, कब हो रहा आपका? कल की डेट में ये हो रहा है, इसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है खासतौर पे दिल्ली पुलिस या एसएससी, तो इसका जो आंसर रहने वाला मित्रों वो आपका रहने वाला तेलंगाना। कौन सा रहने वाला आपका? तेलंगाना। तो कितनी वाट की हो रही है आपकी? 800 मेगावाट की। कहां? रामागुडम में, एनटीपीसी। एनटीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एनटीपीसी थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सरकार के अधीन है। एनटीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक सरकारी सिस्टम है, कह सकते हो एनटीपीसी नेशनल आपका ये क्या रहेगा भाई? आपका नेशनल नेशनल थर्मल थर्मल पावर पावर कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब, कहां पर करें? तेलंगाना। एक बार मैं बात करूं थोड़ा सा हल्का सा अरुणाचल प्रदेश की। देखिए, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 4 से 5 पॉइंट बिल्कुल डब्बे वाले जो क्वेश्चन आपके वो यहां पे रहने वाले हैं। डब्बे वाले जो क्वेश्चन आपके यहां पर रहने वाले हैं 4 से 5। तो सबसे पहले बात करें, नंबर 1 आपसे पूछे दक्षिण आपका पूर्व भारत का है ना, भारत का पूर्वोत्तर जो आपका पॉइंट है, पूर्वोत्तर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है आपका? तो किबीथू। जो लोग नए हैं वो लिख लेंगे, पुराने लोगों के बीच में तो घूमते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है ओके। उसके बाद बात करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश से आपकी कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी, ये कहां से भारत में प्रवेश करती है? तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। राजधानी मुझे जल्दी से आप लोग बता सकते हैं दोस्तों? देखिए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है आपके बीच में, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता मित्रों, उसका विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। टेक्निकल टीम कहां भाई? ओके सॉरी भाई, अब बात करें हम तीसरा जो यहां पर पॉइंट रहेगा, चेक करना एक बार, सिस्टम चेक करना। ओके, तीसरा जो पॉइंट रहने वाला आपका वो क्या रहने वाला है? अभी हाल ही में चीन ने क्या किया था? चीन ने 11 क्षेत्रों के नाम बदली करके अपने नक्शे में शामिल किया, और इसे किसका हिस्सा बताया? इसे पूर्व तिब्बत का, या तिब्बत का सॉरी तिब्बत दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया। इसे किसका? तिब्बत का हिस्सा बता करके और अपने क्षेत्र में शामिल किया तिब्बत, ठीक है ओके। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ कौन सा देश सीमा बनाता आपका? तो चीन इसके साथ क्या बनाता? सीमा। चीन और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी सीमा रेखा बनती है? देखिए यहां अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा दोस्तों, वो कौन सी आपकी? मैकमोहन रेखा। कौन सी आपकी? मैकमोहन जो रेखा इंटरनेशनल है, मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना है आपने इसका, इस बात का भी, ठीक है। किबीथू, यहां तुमसे एक और पॉइंट है मेरा मित्रों, और वो कि किबीथू जो आपका किबीथू नामक जो स्थान आपका पूर्वोत्तर जो बिंदु है, ये बिंदु कितने डिग्री पर है? ये क्वेश्चन आपके लिए, कितने डिग्री पर यह आपका बिंदु है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, एक ही क्लास ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी करंट, एक ही क्लास ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी करंट, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए, साथ में आपका बात करूं हरियाणा के लिए, हरियाणा पुलिस भी आ गया, एसआई भी आ रहा है, बहुत सारे टेस्टीज आपके लिए आपके सामने दोस्तों। और यहां मेरा जो फोकस रहता है 22-23
करंट स्टैटिक 22-23 का आपके बीच में घुमाना और वो याद कराना दोस्तों। तो मैकमोहन रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? एक और रेखा है अक्साई चीन। कौन सी भाई? आपकी अक्साई जो चीन जो रेखा है मित्रों, ये अक्साई चीन रेखा कहां पर सीमा रेखा बनाती है? तो ये आपका कहां पर है? ये जो आपका अक्साई जो चीन है वहां पर आपकी अक्साई चीन के बीच में कौन सी रेखा आपकी? तो वो है एक्चुअल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LAC जो आपकी ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहां पर आपकी अक्साई चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है, ध्यान रखना भारत और चीन के बीच में। ये था आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, इसके 3-4 पॉइंट बताऊंगा ज्यादा नहीं। कलकत्ता का आपको पता दोस्तों 1774 में कलकत्ता राजधानी बनी थी। एक्ट पूछे तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता को राजधानी बनाया था। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? इससे ट्रांसफर करके दिल्ली की घोषणा तो करी है। कब आपका? 1911 में घोषणा करी। और ठीक मैं बात करूं उस समय राजा कौन थे? तो जॉर्ज पंचम आपके। कौन थे भाई आपके? बिल्कुल जाहिर क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्ज पंचम। जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है क्लास के ऊपर स्टैंडर्ड को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। ये इस प्रकार की क्लास है, एक ही क्लास सारा कुछ इसके अंदर भाई, एक ही क्लास सारा कुछ इसके अंदर, ठीक है? ओके, जॉर्ज पंचम, ठीक है। यहां आपने ध्यान रखना राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में दोस्तों राजधानी बनी थी। एक क्वेश्चन और मेरा तुम्हारा, तुम लोगों के लिए, वो ये है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र कब घोषित किया गया? ये आपके बीच में क्वेश्चन बनेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और साथ ही एक प्यारा क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिल्ली और पुदुचेरी आपकी क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। इनकी जो विधानसभाएं हैं, क्या है इनकी विधानसभाएं? इनकी जो विधानसभा है, इन विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? अगर किसी में दम है तो क्वेश्चन का जवाब जरूर देना भाई। निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया मित्रों? ये भी क्वेश्चन आपके बीच में, किसके बात हो रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। चलो वेस्ट बंगाल हो गया। आगे बात करें उत्तर प्रदेश, किसकी बात करें हम? उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों, तो उत्तर प्रदेश की जब भी हम बात करेंगे ध्यान रखना, सबसे बड़ा अगर मैं पूछूं विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें, विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यही है। कितनी आपकी? 403। कितनी आपकी? 403 है। मेरी विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद ये कितनी? 100 है। लोकसभा की सीटों की बात करेंगे, लोकसभा ये कितनी आपकी? शायद मेरे ख्याल में लोकसभा की 80। और राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे सबसे ज्यादा आपकी कितनी? 31। सबसे ज्यादा सारा का सारा सिस्टम यहीं पे सीएम साहब को ना, आपको पता है योगी आदित्यनाथ साहब क्या है? सीएम साहब है। और साथ ही अगर हम बात करें किसकी? योगी आदित्यनाथ के साथ ही तो आनंदीबेन पटेल जो आपकी क्या है, उनका संबंध भी यहां से है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक भी जरूर करेंगे, आप लोगों से मेरी विनती है, ठीक है। अब बात आती किसकी? तेलंगाना की, जो कि आपका आंसर रहा है, जहां पे आपका पीएम साहब 800 मेगावाट की रामागुडम एनटीपीसी परियोजना शुरू कर रहे हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने टारगेट रखा 200-300 क्वेश्चन का। जब मैं मेरा टारगेट पूरा कर रहा हूं मित्रों, तो ये वाला जो टारगेट है 1000 स्टूडेंट का जो टारगेट है, ये आप पूरा कराएंगे। आपसे मेरी विनम्र विनती रहने वाली है। आप अगर सोचें कि हाँ सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक बच्चा अगर 10 बच्चों के पास भी क्लास ग्रुप में ना सही, आप इंडिविजुअली क्लास शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा चैनल ग्रोथ करेगा। और ये आपकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, मेरे साथ साथ आपकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम आने वाली जो जनरेशन है उनको अच्छे कंटेंट डिलीवर कर सके। यूं तो लाखों चैनल है यूट्यूब के ऊपर, हजारों चैनल है। आप जब ये परीक्षा देंगे उसके बाद आपको एहसास होगा कि हाँ हमने किसी को गलत रिकमेंड नहीं किया, और हो सकता है आपकी एक सलाह किसी के जीवन को बदली कर दे दोस्तों। तो जो लोग नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार क्लास को पूरी देखें बिना स्किप के भाई, ठीक है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी क्या है? राजधानी की बात करेंगे तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में, ठीक है, इसका भी आंसर देंगे। साथ ही मैं बात करूं सबसे नया अगर स्टेट पूछे आपसे तो वो कौन सा है। साथ ही यहां तेलंगाना की हम बात करते हैं तो कहां कहां से अलग होकर के बनाता है, ये सारी चीजें आपके बीच में आ जाएंगी। आप आइए एक बार आप इसके नक्शे को लेकर के बात करते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए ये क्या आपका भी? अच्छा किसका आ गया? तेलंगाना। आप देखो दोस्तों, तेलंगाना का मानचित्र है आपके बीच में। किसका मानचित्र? तेलंगाना, ठीक है। किसका मानचित्र आपके बीच में? तेलंगाना का मानचित्र है। चलिए भाई बात करेंगे यहां थोड़ी सी, किसका आपका है? तेलंगाना, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करें इसके साथ जो सीमा रेखा बना रहा, कौन बना रहा आपका? छत्तीसगढ़। इसके साथ सीमा रेखा बना, चुनाव हो रहा ध्यान रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ ही कौन सा आपका? उड़ीसा भी इसके साथ सीमा रेखा बना रहा है। और साथ में कौन सा? आंध्र प्रदेश भी इसके साथ सीमा रेखा बना रहा है। और कौन आपके इसके साथ? ठीक है, छत्तीसगढ़ पूछे आपसे, उड़ीसा पूछे,
आंध्र प्रदेश पूछे, ठीक है। हैदराबाद इसकी क्या है, हैदराबाद इसकी क्या राजधानी, इधर ही आपके साथ कौन, इसके साथ कौन कर्नाटक इसके साथ राजधानी बना रहा है, ध्यान रखना कौन आपका कर्नाटक इसके साथ राजधानी बना रहा है, ये आपके बीच में बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों की कौन। और इधर आपका महाराष्ट्र, देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांचों राज्य तो आपने कम से कम याद रखने, छत्तीसगढ़ की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी, साथ में आंध्र प्रदेश की राजधानी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये इसके इनके बीच में आपका ये राज्य बनता है आपका तेलंगाना, ठीक है। ओके, तेलंगाना की अगर हम बात करते तो आंध्र प्रदेश से कुछ हिस्सा लेकर के इसको तेलंगाना को तैयार किया गया था, तेलंगाना आपका बनाया गया था, कब बनाया गया था ये आप मुझे एक बार जोरदार तरीके से बताएंगे। यहाँ पे राजधानी की बात आ रही है इसकी, हैदराबाद की, हैदराबाद एक आपकी रियासत में रही है, हैदराबाद, हैदराबाद आपकी क्या रही है, रियासत रही है दोस्तों। हैदराबाद रियासत की अगर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये जो हैदराबाद रियासत है मित्रों, ये रियासत पहली ऐसी रियासत है जिसे जनमत संग्रह करा करके, जनमत संग्रह के आधार पर, ये जनमत संग्रह के आधार पर कोशिश थी, लेकिन हैदराबाद को मैं बात करूं आपको तो जनमत संग्रह तो खैर नहीं हुआ यहां पर, जनमत संग्रह के आधार पर अगर हम हैदराबाद की बात, सॉरी माफी चाहूंगा, जनमत संग्रह के आधार पर आपका जूनागढ़ था, क्या था, जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया था, आपने ध्यान रखना, ठीक है। हैदराबाद रियासत की बात करते हैं तो ये हैदराबाद आपका क्या था, ऑपरेशन पुलिस, क्या था भाई आपका, ऑपरेशन पुलिस के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया था, कब हुआ था आपका ये, 1948 में हुआ था, पुलिस और सेना का अगर मैं बात करूं साथ में ज्वाइंट क्या था, ऑपरेशन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका मित्रों वो ध्यान आपने रखना है आपका क्या, स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ पीस, कई तरह के स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ पीस, ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी दोस्तों। तो यहां पर आपका स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी, कौन सा आपका स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी की बात होती है, यानी कि कौन सा स्टेच्यू था, अगर मैं आपसे पूछूं एक बार, जीयर अकेडमी में संत रामानुजाचार्य का, जीयर अकेडमी आपकी, ये जीयर अकेडमी कहां पर है, हैदराबाद से 40-45 किलोमीटर दूर पड़ेगी, और यहां पर संत रामानुजाचार्य की फोटो लगाई, संत रामानुजाचार्य की फोटो है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना। तो संत रामानुजाचार्य की जो फोटो लगाई गई है, ये आपसे पूछे उस अकेडमी, उस स्टेचू को किस नाम से जानते, ऑप्शन ए स्टेचू ऑफ पीस, ऑप्शन बी स्टेचू ऑफ आपका यूनिटी, ऑप्शन सी स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी जवाब आप लोग एक बार मेरे को देंगे। तेलंगाना की खैर बात करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों ये आपको पता है करंट जीके की क्लास, इसलिए इतना ही रहेगा, आगे बढ़ते हुए आपके बीच में देखिए ये है तेलंगाना, है ना, ये क्या आपका तेलंगाना, तेलंगाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को तेलंगाना राज्य में आपका मेगावाट की जो एनटीपीसी परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे, जा ले रही है कैसा आपका वर्चुअल रूप से क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश अगर क्लास अच्छी लग रही तो एक बार जरूर बढ़ाएंगे। 1 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, आपसे पूछा जा सकता है 1 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, शाबाश अगर क्लास की विजुअलिटी क्लियरिटी अगर सब कुछ ओके तो दोस्तों एक बार ओके जरूर लिख करके भेजेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई बहुत शानदार है, इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डे, टीबी डे या कोफी डे, शाबाश बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर रहने वाला मित्रों वो आपके बीच में आंसर रहने वाला है इसका इंटरनेशनल कॉफी डे, इंटरनेशनल कॉफी डे, ये 3 दिवस कब मनाए जाते हैं आपके बीच में, इंटरनेशनल टीचर्स डे आपका कब मनाया जाता है ना, टीचर्स डे, उसके बाद इंटरनेशनल एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, एड्स डे, एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसका जो पहला मरीज मिला है, पहला मरीज कहां पर मिला था दोस्तों, तो यूएसए के अंदर मिला था, ध्यान रखना। यूएसए की भी बात करेंगे तो कहां पर आपका लॉस एंजिलस में ही आपका मरीज मिला था दोस्तों, एंजिलस। और साथ ही आपको बता दूं यहां पर आपके 2028 का क्या हो रहा है आपका ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना। कहां पर हो रहा है आपका, लॉस एंजिलस के अंदर, यूएसए के अंदर हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना। यहां पर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट देंगे, यहां पर जो क्वेश्चन आपका कॉफी डे, वो किसकी बात हो रही है आपके, कॉफी डे की बात हो रही है, किसकी, कॉफी डे, कॉफी की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, कॉफी, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी या आपका क्या, कॉफी क्या आपका पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है दोस्तों, ध्यान रखना। कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, ये आपके बीच में क्वेश्चन यहां पे रहने वाला है, कॉफी कहां पाई जाती है आपके बीच में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ओके। दूसरी बात करें हम यहां पर, दूसरा, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहां पर आपकी, ब्राजील में, कहां पर मित्रों, ब्राजील के अंदर आपकी कॉफी पाई जाती है, अपने ध्यान रखना।
ओके, कौन है? विश्व में आपका कहां पर पाई जाती है? ब्राजील के अंदर आपकी कॉफी पाई जाती है, इसका भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं फिर आगे भाई। पर कॉफी पेय पदार्थ है, इसमें क्या होता है भाई? कॉफी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? कॉफी के अंदर कॉफीन होता है। क्या होता है आपका? कॉफीन। कॉफी पाया जाता है, कॉफी नामक एक तत्व पाया जाता है। इससे क्या होता है? उत्तेजना बढ़ती है। उत्तेजना, उत्तेजना या कह सकते हो आप एक किस्म से बीपी बढ़ता आता है इससे, कॉफी से। दूसरी बात करें, भारत में सबसे ज्यादा बात हो रही थी ना, भारत में सबसे ज्यादा और विश्व की बात हुई, तो भारत में कर्नाटक के अंदर, विश्व में ब्राजील के अंदर। ब्राजील में ध्यान रखना भाई, ब्राजील की अगर मैं बात करूं, ब्राजील में कॉफी की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत बार एक आपका क्वेश्चन आता तो फेजेंडा, फेजेंडा के नाम से, या फेजेंडा या फेजेंडा के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? फेजेंडा, फेजेंडा कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो कॉफी की खेती को क्या कहा गया? फेजेंडा कहा गया। ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो इंटरनेशनल कॉफी डे की अगर हम बात करें, ये तीन आपके डे मेरे को बताएं, बहुत बड़े आसान है दोस्तों, बहुत आसान है ना। एक बहुत जल्दी सेशन लेके आ रहा हूं, 10 मिनट में पूरी साल के डे, 10 मिनट के अंदर पूरी साल के दिवस आपके बीच में लेके आ रहा हूं बहुत जल्द, ठीक है? हर प्रकार से कोशिश रहेगी मित्रों, ध्यान रखना, आपकी पूरी मदद की जाएगी। उज्ज्वल कोचिंग कैंपस आप लोगों के बीच में, उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में हर प्रकार की मदद से आपके साथ मदद करने को तैयार है। बस आप थोड़ा प्रेम दिखाएं एक बार, जो हमारा जो टारगेट था 1000 का, इस क्लास को कम से कम एक बार लोगों से टच कराने की कोशिश करें भाई, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, इंटरनेशनल कॉफी डे 2023 साल भर से 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया गया आपका? 1 अक्टूबर को। कॉफी विश्व भर में एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। अगला भाई, किस टूरिज्म को हाल ही में शिल्प और खाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार जीता है? बहुत शानदार क्वेश्चन भी है ना। किस टूरिज्म को हाल ही में शिल्प और खाद्य श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार या ने सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार जीता है? केरल के आपके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, हरियाणा के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, तमिलनाडु के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन और पंजाब के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो इसका जो आंसर है वो क्या आपका? केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है आपकी? केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की बात हो रही है, जहां पर क्या हो रहा है आपका? केरल में क्या, केरल ने इस अवार्ड को जीता। अब चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं केरल, केरल की राजधानी की बात करोगे दोस्तों आपको सबको पता कहां पर? तिरुवनंतपुरम। कहां पर केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम। यहां से एक हिस्ट्री का बड़ा फेमस क्वेश्चन आपके बीच में आता दोस्तों, हिस्ट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में आता। आपसे बहुत बार पूछा जाता कि चंद्रगिरी की पहाड़ियां, चंद्रगिरी की पहाड़ियां ये कहां पर है? चंद्रगिरी की पहाड़ी नाम रखा है, एक पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी, ये कहां पर है? कौन सी श्रृंखला? श्रवण बेलगोला की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां जो हैं, पहाड़ियां श्रवण बेलगोला की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, वहां पर अगर मैं बात करूं आपकी तो ये पहाड़ियां हैं। यहां पर कौन आपके? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त साहब जो थे, चंद्रगुप्त ने क्या कहा था? श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां चंद्रगुप्त ने यहां पर संलेखना पद्धति के द्वारा, किसके द्वारा? संलेखना जो पद्धति है, इस पद्धति के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी थी, प्राणों को क्या किया था? त्याग दिया था। क्या समझे भाई? लंबे समय तक इन्होंने खाली वायु को अपने शरीर के अंदर लिया और संलेखना पद्धति, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके लंबे समय तक कह सकते हो, और इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। पहला ऐसा सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला आपका शासक यही था। वंश कौन सा? मौर्य वंश। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। देश के बाहर जाकर के युद्ध लड़ने वाला आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इंटरनेशनल बहु, पहली विदेशी बहु लाने वाला, विदेशी बहु या घरवाले लाने वाला, या पहली इंटरनेशनल बहु। इंटरनेशनल बहु का मतलब ये थोड़ी कुछ सबकी है, लेकिन ये लेकर के कौन आया? तो मेरी टेक्निकल टीम मुस्कुरा रही है भाई, है ना, सुन करके। तो विदेशी बहु कौन लेकर के आया आपका? चंद्रगुप्त मौर्य लेकर के आया, ठीक है? ओके, इसी के काल में एक राजदूत आया, यूनानी राजदूत आया भाई। ये राजदूत कौन था आपका? ये राजदूत था मैक्सनीज नामक जो यूनानी है, वो आपके बीच में यहां पर आया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच में दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले पाए तो मुश्किल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? चलिए, केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन आरटीएम के, केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन आरटीएम ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म
आईसीसीआरटी का स्थान आईसीआरटी का स्थानीय सोर्सिंग के लिए हाल ही में शिल्प और खाद्य श्रेणी में किसमें भी शिल्प और खाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार जीता। क्या जीता? सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों एक बार मैप दिख लेते हैं, अगर है तो मेरे ख्याल में होगा तो है ना, चलिए देखते हैं मैप अगर है तो दिखा देते। हाँ देखिए ये रहा मैप, ये रहा मैप। ये दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, एक बार जरूर इसका आप लोग एक बार देखेंगे तो बहुत ही क्या बोलूंगा आपको एक यहां से क्वेश्चन आने का संभावना बनी रहे, बस इतना समझ सकते हैं। ठीक है ओके चलिए भाई, ये क्या आपका तटवर्ती इलाका, किसके साथ तटवर्ती इलाका लग रहा है आपका? तो समुद्र, कौन सा समुद्र इधर इस साइड में कौन सा समुद्र है दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ये हिंद महासागर का हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है, आपने ध्यान रखना। तो केरल की अगर बात करते हैं तो ये आपका केरल है, क्या लिख रखा है, मलालापुरम है आपका, ये पलक्कड़ है आपका, त्रिशूर है, इडुकी है, कोटियाम है आपका, ये आपका कोलम है, ये आपका क्या है कोलम है, और यहाँ पे क्या है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ये क्या आपका तिरुवनंतपुरम राजधानी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके एक साइड कौन लग रहा है आपका तमिलनाडु लग रहा है, इसके एक साइड कौन लग रहा है आपका कर्नाटक, इसके एक साइड कौन है कर्नाटक है आपका, किस आपका केसर अंतिम अगर हम बात करें कर्नाटक के साथ यहां सीमा कौन बना रहा है, केसर गोड यहां पर सीमा बना रहा है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है चलिए दोस्तों ये क्या था आपका केरल था, केरल से आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर चार जो कि आपके बीच में, जिसे होने वाला आप लोगों को प्यार, किस भारतीय टेनिस मिश्रित युगल ने हाल ही में टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? सोनम बोपन्ना, ललिता कुमारी, ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना, रेणु बोपन्ना और सुनीता भोसले, अनिल और अनीता भोसले। तो इसका जो रहने वाला दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा आपके बीच में वो रहने वाला ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना ने, आपके जिस प्रकार से लैंडर पेस और महेश भूपति रहते थे उसी प्रकार से ये भारत की जोड़ी है जिसने क्या किया है स्वर्ण पदक जीता आपका, हाल ही में क्या जीता टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला आपका ऋतुजा भोसले और रोहना बोपन्ना है, या आपने रोहन बोपन्ना है, या आपने ध्यान रखना। ठीक है चलिए भैया ये देख सकते हैं आप, रोहना बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, भारत के रोहना बोपन्ना ऋतुजा भोसले हाल ही में एशियाई खेलों में, किस खेल की बात हो रही है दोस्तों? आपको पता है एशियाई खेल बहुत भयंकर तरीके से चल रहे हैं, एशियाई खेलों में क्या क्या इन्होंने टेनिस में मिश्रित युगल आपका टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे मित्रों, प्रेम जरूर दिखाएंगे, और आज की क्लास का जो टारगेट हम रख रहे हैं 1000 स्टूडेंट का, इसको एक बार जरूर हर हाल में 1000 स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये मेरी आप लोगों से विनती है, विनम्र विनती है, ध्यान रखेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट आपका डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वाइब्रेंट विलेज और वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम का आयोजन कहां? असम, उत्तरांचल, बिहार और गुजरात। शाबाश भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी, ये भी आपने यहां पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाता तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जो आंसर रहने वाला मित्रों वो रहने वाला आपका गुजरात, क्या रहने वाला है गुजरात। चलिए गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, एक नगर और बड़ा प्यारा है यहाँ का ना, सूरत जरूर ध्यान रखना दोस्तों, भोली सी सूरत आपको व्यवस्थित दूर घड़ी शर्म आए, वही सूरत है ये। कौन सा सूरत है? जहां पर आपका 5 किलोमीटर स्टील की सड़क पूछे आपका, स्टील वेस्ट से सड़क है, स्टील वेस्ट से सड़क है, हीरो के व्यापार के लिए सबसे बड़ा स्थल, हीरो का व्यापार के लिए सबसे बड़ा स्थल आपका सूरत ही है। यह वही जगह है जहां पर अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से कब आपका 1613 में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना भी कहां करी? यही सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़े तथा हीरे, कपड़े प्लस हीरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार बड़े ध्यान से देखेंगे, सूरत गांधीनगर यहीं पर एक आपका सिटी है जिसे तुम लोग अहमदाबाद के नाम से भी जानते हैं, गुजरात की फेमस सिटी है दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करते हैं तो इसे साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, किसके नाम से? साइंस सिटी। गुजरात के अंदर एक भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम एक बार कमेंट्स करके बताएंगे। अगर क्लास आपको हल्की सी भी प्यारी लगती है कमेंट्स जरूर करेंगे दोस्तों, आपके कमेंट्स हमें चार्जिंग का काम करते हैं, जो मर्जी आप कमेंट्स करें लेकिन एक बार कमेंट से जरूर करें। अगर क्लास खराब लगती है तो आप हमें बताएंगे, हो सकता है हम उसमें कुछ सुधार करें और आपको अच्छा कंटेंट और अच्छे सिस्टम से आपको बेहतरीन क्लास देने की कोशिश की जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला आपका
जिसको हम लेकर के बात करेंगे। असम की अगर बात करते हैं तो मित्रों असम आपको फेमस पता है, असम की राजधानी का उत्तरांचल भी आपका बिहार आपका गुजरात ये सारी चीजें आपके बीच में हो चुकी हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आपका कहां पर हो रहा है? गुजरात के अंदर आपका इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए गुजरात में गांधीनगर जयंती से लेकर के गांधी जयंती से लेकर के सरदार पटेल जयंती तक राज्य में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मतलब यानी कि आज से गांधी जयंती कब है? आज है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आज बहुत शानदार क्वेश्चन है गांधी जी के ऊपर। आप देखेंगे कमाल का क्वेश्चन, इतने कमाल का क्वेश्चन तो शायद आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। उस कमाल से उस क्वेश्चन को तैयार किया गया है और एक मिनट में गांधी से जुड़ी सारी की सारी खबरें आप तक हुई है ना बेखबर। देखते रहिए यूसीसी आज तक बाय हेमंत सर, है ना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया खेलों में गोला फेंक शॉट पुट, देसी भाषा में बात करेंगे तो गोला फेंक है ना, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो शॉट पुट स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण जीता? मौज कर रखी भाई, सोने के मेडलों की झड़ी लगी है एशिया के अंदर, एशिया गेम्स के अंदर। एक बार जरूर करूंगा पूरा का पूरा, आपको मौका मिलते ही आपके बीच में शानदार क्लास आ जाएगी दोस्तों। बिल्कुल जहर क्लास है, गभेरा जहर क्लास, महेंद्रगढ़ फ्रॉम अफगानिस्तान है ना, माँ चलाए माता के चरणों से बीपीओ खुडाना से क्लास चल रही है दोस्तों। ध्यान रखना आपके बीच में बहुत शानदार कंटेंट यहां से डिलीवर होता है और आपको भी पता है सारी चीजों का, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। तो अमित सिंह तूर इसका क्या आंसर? बिल्कुल नहीं है। तहसीलदार पाल तूर बिल्कुल हो सकता है ना, या राजीव सिंह तूर या नीलेश सिंह तूर है ना, है तो सारे के आपके तूर है। तो चलिए दोस्तों किसने शॉट पुट में, या आपके बीच में क्वेश्चन है दोस्तों, तेजिंद्र पाल सिंह तूर ने वो ऐसे करके यूं कान के लगा के यूं करके यूं फेंकते ना वो वाला गोला फेंका है ना, क्या फेंका? ई गोला पे ये नहीं मिला, हमारा रिमोट वर्क हुआ है तो वो वाला गोला है ये, इस गोले को फेंका और फेंक करके सोना जीता। कौन से खेल हो रहे हैं आपके? 19वें, कहां हो रहे? छाऊ चीन। कहां पर हो रहे हैं आपके? अरे चीन ने कमेंटमेंट ओढ़ दी है, इन्होंने बोला भारत का ना चंद्रयान साउथ पोल पे नहीं उतरा। कमाल की बात है ना, बहुत बढ़िया भाई, धोती को फाड़ के रुमाल की बात है। तेजेंद्र पाल तूर ने 20.36 मीटर पर थ्रो किया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हाल ही में स्वर्ण पदक, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक एशियाई खेलों का उनका यह लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले भी यानी कि 18वें में भी स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, 18वें एशियाई खेल कब खेला गया रे भगवान, 28वां खेल कब हुआ दोस्तों, ये भी आपने इसका भी ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बीच में है, क्वेश्चन नंबर 7 जिसका हम जिक्र करने वाले हैं ना, ये रहा 7। किसने हाल ही में 45 दिवसीय स्ट्रोक गैप फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए दोस्तों, और इसका जो शानदार आंसर है ये तो हो ही नहीं सकता, सी जिनपिंग। ये छाऊ आंखें पता नहीं कहां लगी है ना, डोनाल्ड डमरू भाई साहब, अरे मेरा दोस्त आ गया है ना, मैं कब से प्रेम करता हूँ इस डमरू भाई साहब से। ये 4 साल तक राष्ट्रपति हुआ, राज ने बड़ी मेरे से मिन्नतें करी यार एक बार हेमंत मिल तो सही यार भाई, है ना, डमरू भाई साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी ध्यान रखना अजरबैजान और आर्मेनियम के जो बीच में युद्ध है ना, अभी उस युद्ध को शांत करा दिया था इस डमरू भाई साहब ने, जो कि अब इसके बस की बात नहीं है जो बाइडेन के, ठीक है, किसके बस की बात नहीं है, जो बाइडेन के। तो डमरू भाई साहब का तो बड़ा दुख रहेगा, मैं चाह रहा था ये डमरू भाई साहब दोबारा से आए, है ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इसका जो आंसर रहने वाला जो बाइडेन या जो बाइडेन भाई है ना, इसने अपने 45 दिवसीय विधेयक पर हस्ताक्षर किए। ये कहां का राष्ट्रपति है तो आपको पता, कहां का? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति। कोलंबस ने इसकी खोज की थी 1492-94 में करी थी, है ना, कंफ्यूज है, ठीक है, बना रहने दो कंफ्यूज में ही रहो। चलिए ये क्या भाई आपका जो बाइडेन, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इस वित्त वर्ष के लिए संघीय सरकार की फंडिंग समाप्त होने से कुछ मिनट पहले 45 दिवसीय स्ट्रोक गैप फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए। चलो भाई पैसे से संबंधित जुड़ा, ज्यादा बात करूंगा नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना मोटा सा आपको ध्यान रखना इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता? बहुत बढ़िया भाई, आज की क्लास का सुपर एक्सीलेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा कमाल कौन कर सकता? चीन, अरे मारो गोली चीन करेगा। ऑस्ट्रेलिया, ये पहले ही सूखी भूमि पे बैठा हुआ, सबसे ज्यादा सूखी भूमि, ना पानी है ना और कुछ है, ऊंट मरवा दिए 10,000, मधुमक्खी मरवा दी, कैनबरा राजधानी है ना, कंगारू इनको अलग से बोलते हैं, कंगारू कूदते रहेंगे, इनका क्या लेना देना रे, छोड़ो। अमेरिका, इन्हें वैसे ही सांस नहीं आ रहा, कभी कुछ बीमारी, तो बच गया कौन? ईसा अंडी मरा हिंदुस्तान। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला भारत,
हाल ही में सेफ पुरुष अंडर 90 में एशियन चैंपियनशिप आपका 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है किस देश के द्वारा? भारत, आर्यवर्त, जम्मू द्वीप पे, है ना। इंडिया, इंडिया तो हमने छोड़ ही दिया है ना, हिंदुस्तान, ये सारे के सारे हमारे भारत के नाम है। इंडिया सॉरी भारत दैट इज जो कि इंडिया, भारत जो कि इंडिया हिंदी संस्करण संविधान के अंदर एक्ट नंबर 1 है, संविधान का भाग नंबर 1। आप लिख सकते हैं अगर किसी को डाउट हो तो, हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, भारत, भारत जो कि इंडिया, इंडिया इंडिया होगा ये भाग नंबर 1 संविधान का, संविधान का भाग नंबर 1 आपका अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर ये कमेंटमेंट दी गई है दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। इसलिए अब हम इसे, हमने इंडिया को छोड़ दिया और हमने हिंदुस्तान भारत को अपना लिया। चलिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन आज की क्लास का, जानदार क्वेश्चन दोस्तों। कैसा क्वेश्चन है? जानदार क्वेश्चन मित्रों, जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं ना। 2 अक्टूबर 2023 को किसकी जयंती मनाई जा रही है? इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए भाई पढ़ाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, तो दोस्तों दोनों की मनाई जाती है। क्वेश्चन की फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जिक्र हम 2 अक्टूबर को करते हैं दोस्तों। एक बार आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर आपको मैं सारी चीजें इस क्वेश्चन पे समझा के चलूंगा भाई, ध्यान से देखेंगे हर चीज को। देखिए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। देखिए दोनों की जयंती, तो आपके प्रधानमंत्री जो रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ ठीक है, और गांधी जी का 2 अक्टूबर 1969 में हुआ। दोनों का पोरबंदर गांव जिले के अंदर हुआ था, आध्यात्मिक नेता थे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। इन्होंने स्वतंत्रता के अंदर, इनके अंदर इतनी पावर थी कि इन्होंने स्वतंत्रता के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने इनसे इनसे जुड़े हुए 6 बड़े आंदोलन, लाल बहादुर शास्त्री की बात करो तो आपका जय जवान जय किसान का नारा देने वाले आपका तुरंत, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत से बाहर, पहले ऐसे, पहले मैं एक बार लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं, देखिए पहले ऐसे प्रधानमंत्री आपके जो भारत से बाहर, जिनकी ताजिकिस्तान के अंदर आपका कौन सा समझौता था, किस समझौते के अंदर इनकी हत्या हुई थी, हार्ट हत्या, सॉरी माफी चाहूं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, बताया तो हार्ट अटैक गया है लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कैसे इनकी डेथ हुई थी ठीक है। तो भारत से बाहर जिनकी मृत्यु पद पर रहते हो प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री है दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। इनके समय में लड़ाई भी हुई है ये भी आपको पता है ठीक है। अब बात आती है किसकी, महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता कराने, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए काफी कुछ किया है, उसकी बात हम यहां पर एक बार करते हैं। देखो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन, पूर्व आपका क्या, पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतिष्ठित नेता थे महात्मा गांधी, एक बहुत सम्मानित नेता थे। इन्होंने शांति और अहिंसा, आज अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, स्वच्छता दिवस आपका कल सप्ताह पखवाड़ा शुरू किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया भर में उनके विशाल योगदान के लिए काफी प्रशंसा मिली। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों, किसके रूप में, अहिंसा के रूप में। अब इनसे जुड़े 6 बड़े आंदोलन जो इन्हें राष्ट्रीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का नेता बनाते हैं, उनकी हम अगर हम बात करें दोस्तों, देखेंगे पहला आपका चंपारण आंदोलन है जहां से प्रसिद्ध हुए 1917। ये भाई आपके पहले कहां थे, आपके दक्षिण अफ्रीका थे, दक्षिण अफ्रीका से ये आपके आए हैं, प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इनके आने पर। तो भारतीय कब आए हैं और कौन से दिवस को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार में चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी इनकी भागीदारी थी। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे उस समय देश पर अत्याचार अंग्रेजों का शासन के अधीन था, और 1917 में इस जिले का दौरा करने का निर्णय लिया, और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दृष्टिकोण को अपनाया और प्रदर्शन शुरू किया और अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ हड़ताल। तो अंग्रेज नील की खेती से संबंधित है आपका, अंग्रेज यानी जमींदारों को हक दिलाने से संबंधित है, वो भी आपने यहां पर ध्यान रखना ठीक है। तो पहला आंदोलन इनका 1917 चंपारण में ठीक है। ओके, खेड़ा आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन भारत खेड़ा जिले के किसानों का, ये भी कर वसूली के खिलाफ था, ये भी आपने ध्यान रखना। दूसरा आंदोलन कौन सा हो गया था? सेकेंड आंदोलन खेड़ा आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919, यानी कि 1917, 1918, 1919, प्रथम विश्व युद्ध के बाद
खलीफा और तुर्की साम्राज्य पर कई अपमानजनक आपको आरोप लगाए गए। मुस्लिम अपने खिलाफ खलीफा की सुरक्षा के लिए, यानी कि मुसलमान और हिंदुओं का इकट्ठा ही आपका कहना कि कुछ मुस्लिम लोग इस बात से नाराज भी थे कि इन्हें एक क्यों कर दिया गया। सरकार के खिलाफ लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। तो तीसरा आपका आंदोलन, चौथा आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बैसाखी के दिन जिसकी मैं बात करूं तो कब हुआ था, एक बार जोरदार तरीके से मुझे कॉमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर 1% भी आपको लगता कि बेहतरीन बेहतरीन जानकारी आपके बीच में आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे। असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू होता है, आपके बीच में है, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ओके। इसी के साथ पांचवा जो आंदोलन मित्रों आपका पांचवा आंदोलन जिसके बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को प्रारंभ किया गया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समापन के लिए चलाया गया था। गांधी जी के मैं बात करूं आग्रह कांग्रेस समिति ने भारत के ओर से बड़े पैमाने पर अंग्रेजों से भारत छोड़ने के तकाजे और गांधी जी करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। एक अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता, इनका अभी संबंध महात्मा गांधी से रहा, जितना बोलूं उतना कम है भाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साथ ही हम बात करें अंत समय में इनकी हत्या हुई नथुराम गोडसे वैचारिक मतभेद के कारण, और उन्हीं नथुराम गोडसे को फांसी दी गई हरियाणा की सबसे बड़ी जेल अंबाला के अंदर उन्हें फांसी दी गई दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का सबसे जानदार क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया तो ले लेना दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन आपका, हाल ही में मोहम्मद मुइज ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत दर्ज की, इनका संबंध कहां से रहा मित्रों, तो इनका जो संबंध रहा भाई मेरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा मालदीव से। मालदीव से श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा यही इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी हमने, बाली में ग्रहण करी थी दोस्तों, ध्यान रखना। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, तो मसाला द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अब G20 की जो अध्यक्षता किसे दे दी हमने, ब्राजील जहां कॉफी की खेती सबसे ज्यादा होती है अध्यक्षता दे दी। भूटान की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा पड़ोसी देश है। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास मित्रों, क्लास कैसी रही, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपसे मेरी विनम्र विनती है एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे, इंडिविजुअली शेयर करेंगे, कम से कम 10 लोगों को इस क्लास को शेयर करना है, और साथ ही कमेंट्स भी लिखने हैं आप लोगों ने, और बताना भी अगले को कि आप अगर क्लास देखेंगे तो आपको बहुत सारे शानदार क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आपकी यही तक रहने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट, फिर मिलेंगे दोबारा से अपने एक और नए अंदाज में, टेक केयर।